वेलकम अगेन माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्रॉकरी यूनिट या क्रॉकरी कैबिनेट किस तरह से ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ वो शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मेरे पास जितनी भी क्रॉकरी थी मैंने उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब मैं इसे सूखे कपड़े की हेल्प से साफ़ कर रही हूँ। इसे मैं अच्छी तरह से साफ़ करूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर ना रहे, क्योंकि मुझे इसे कैबिनेट के अंदर रखना है। और हम जो है जो ये जो बड़ी वाली जो प्लेट्स है कांच की, उसमें स्क्रैच ना पड़े इसके लिए जो है मैं इस तरह के जो है यूज़ कर रही हूँ। उसमें कागज़ वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि वो एक के ऊपर एक रखने से इसमें स्क्रैच ना पड़े, और एक का एक ऊपर रखने से जो है हमारी जो कम जगह भी यूज़ होती है, कम जगह में जो है हम ज़्यादा सामान ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेम टिप्स के साथ मैं छोटी वाली जो प्लेट्स हैं उन्हें भी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और ये जो जितने भी ये वाले जो सेट है ये क्रॉकरी का, मैं इन्हें इन सबको एक साथ में अरेंज कर रही हूँ ताकि ये जो है मुझे ऑर्गेनाइज करने में जो है वो आसान हो सके। और अब ये ग्लास मुझे डिस्कार्ड करने हैं। तो ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट तो होते ही रहते हैं साफ सफाई के दौरान, तो ये कुछ ग्लास मुझसे टूट गए थे तो मैं इसे इस तरह से कचरे के डिब्बे में नहीं फेंकूँगी जिससे जो है हाथ वगैरह को भी लग सकता है, इसलिए मैं इसे जो है कागज़ में रैप करके पॉलीथीन में डालकर डस्टबिन में डालूँगी ताकि जो है ये किसी के लिए भी हार्मफुल ना हो। और ये जो नीचे की जगह है इसे भी मैं टिश्यू पेपर से साफ़ कर लूँगी जाके ताकि जितने भी छोटे पार्ट्स है कांच के वो आ सके इसमें इजीली। और अब ये जो मेले माइन का डिनर सेट है इसे भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इसे भी मैंने ऑर्गेनाइज किया है। और चम्मच बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं वैसे रख देंगे हम, तो इसके लिए मैं रबर बैंड का जो है यूज़ कर रही हूँ। तो जो है आप कौन सा भी छोटा सा रबर बैंड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको एक भी टिप्स या आइडिया पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। और ये जो मैट देख रहे हैं आप ये एंटीसेप्टिक मैट है जिससे जो है हमारी जो क्रॉकरी है कांच की वो इस पर से फिसलती नहीं है, जगह पर ही स्टेबल रहती है। और अब ये वाला जो क्रॉकरी यूनिट है मैंने ये बनाने वाली हूँ मैं ग्लास के भी जो भी आइटम्स हैं उन्हें रखने के लिए। ये बहुत ऊंचाई पर है इसलिए मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है वीडियो बनाने के लिए। और ये मैंने क्रॉकरी जो यूनिट है बच्चों की नीड्स जो है एकदम ऊपर रखा है ताकि जो है बच्चों का इस पर हाथ ना पहुँच सके, नहीं तो बहुत बच्चे जो है तोड़ फोड़ कर देते हैं। और जो इस तरह से मैं जो है क्रॉकरी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, जो मुझे एकदम कम यूज़ होंगी वो मैं क्रॉकरी को जो है पीछे के साइड रखूँगी, और जो थोड़ी ज़्यादा यूज़ होंगी उसे मैं सामने के साइड रखूँगी। और जो अभी इसकी जो प्लेट्स है वो उन्हें मैं एक एक ऊपर रख रही हूँ। सेम इस वाले चम्मच के साथ भी जो है सेट है ये मैं रबर बैंड लगा रही हूँ उसे भी। और अभी मैंने बताया आपको ये जो क्रॉकरी ये मुझे कम यूज़ होती है इसलिए मैंने इसे पीछे की साइड रखा है, और जो थोड़ी ज़्यादा यूज़ होती है उन्हें आगे की साइड में ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने ये क्रॉकरी का जो कैबिनेट है इसे ऑर्गेनाइज किया है। और ये जो अनयूज्ड ग्लासेस थे मेरे पास में इसमें मैंने चम्मच वगैरह को रख दिया है, कटलरी जो आइटम्स है उन्हें। आई होप फ्रेंड्स आपको ये छोटा सा मेरा जो है कैबिनेट टूर पसंद आया होगा।